नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 5। अगर आपने सिविल का कोई भी जेई लेवल एग्जाम फिलअप किया है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग 10 मिक्स क्वेश्चन तो कराते ही कराते, साथ ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है, और पिछली वीडियो के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में करते हैं। चाहे वो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएल हो, डीएफसीसीएल हो, एसएससी हो, टीएचडीसी हो, एचजीवीएन हो, इसरो हो, कोई भी जेई लेवल एग्जाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके आएंगे ही आएंगे। लिख के रख लीजिए इस बात को। ओके, जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं वो लोग इस बात को रेगुलर जानते हैं। ओके, इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 20 लाख्स का। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट इन अ सैचुरेटेड सैंड विद वॉइड रेशियो इज 0.90 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.65। देखिए पूछा क्या है आईसी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट। अब ये होता क्या, पहली बात सुन लो, एक टर्म सुना होगा आपने, क्विक सैंड कंडीशन। इसमें क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस अपनी जीरो हो जाती है। अब किस केस में होती है, जब हमारी जो ग्रेडिएंट है, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट है, वो बराबर हो जाती है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट के, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे कि क्विकसेंड क्या है, क्विकसेंड कब होता है, जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाती है और अपना जो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट के बराबर हो जाती है। अब आईसी का जो फॉर्मूला होता है वो जी माइनस वन अपन वन प्लस ई होता है। जी कितना दे रखा है, जी एस होता है 2.65 दे रखा है, माइनस वन, 1 प्लस ई कितना 0.90 जो कि वर्ड रेशियो, ये आएगा 1.65 अपॉन 1.90। अब इतनी बात समझ में आती है कि 165 तो ऊपर रहेगा, 190 नीचे रहेगा, तो ये डाटा लेस देन तो 1 रहेगा, तो 1 से ऊपर वाले डाटा काट दो सीधे इज्जत से, है ना। अब ये भी देख लो भाई कि लगभग मैं बात करूं तो इन दोनों में डिफरेंस देखूं तो ये, इसको मैं 60 मान लेता हूं, इसको 90 मान लेता हूं। ओके, तो 3 × 6 = 3 = 9, 0.67 से डाटा ज़्यादा जाएगा, इतना तो मैंने तय कर लिया है, है ना। कैसे कैलकुलेशन करनी है, 0.67 से डाटा ज़्यादा जाएगा, 0.67 से डाटा ज़्यादा वाला कौन सा देख रहा है इन दोनों में जो बचे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सेम सिंपल फंडा, कैसे कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को, कैसे कैलकुलेशन करनी है, इस तरह करनी है, एक्यूरेट कैलकुलेट करने नहीं बैठना है कि ऐसे करा कि 165 195 का भाग देने लगे बेवकूफों की तरह, ऐसा नहीं करना। वहाँ पे ऑप्शन देखना है, मोटा मोटा रफली कैलकुलेट करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर डैश, ठीक है, जो वाटर में कैल्शियम क्लोराइड अगर हो जाता है अपना तो वो क्या प्रेजेंट करता है, ये बोल रहा है कॉज लिटिल इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। ये तो कैसे भी नहीं बनता ना, ये तो इलॉजिकल लॉजिक भी नहीं बनता इसका। तो बी बोल रहा है एक्सलेट सेटिंग ऑफ द सीमेंट, हाँ जो भी कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, ये कैसे काम करता है, एज एक्सीलरेटर का काम करता है। अगर मैं शुगर की बात करूं तो ये कैसे काम करता है, रिटार्डर का काम करता है, है ना। तो ये आपके काम करते हैं इस तरह, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एक्सीलरेट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सी बोल रहा ऑल गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, भाई जब ए ही गलत हो गया तो सी कैसे हो सकता है, सी तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। डी बोल रहा एक्सीलरेट हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, तो ये उसका सेटिंग को करता है, साथ साथ हार्डनिंग को भी करता है, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर रहेगा वो एक्सीलरेट सेटिंग टाइम रहेगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेयरिंग ऑफ लाइन CD इज 140 डिग्री एंड द एंगल इज 116 डिग्री, CD जो एंगल है, बेयरिंग ऑफ लाइन D, देखिए अगर मैं सी ये बनाऊँ सी पॉइंट, ओके तो सी ये रहा, डी मेरा कहीं यहाँ होगा, ये कितना 140 डिग्री है, ओके यहाँ से जो डी पॉइंट है मेरा और डी से ई है तो ये एंगल ही है मेरा CD 116 डिग्री है, चलो ठीक है, तो ये जेड बनना है, यहाँ देखना गौर से जेड बनना है, है ना। तो ये मेरा देखूँ तो ये मेरा 180 रहेगा, ये 50 रहेगा, ये 40 रहेगा, तो ये भी कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ई है, क्योंकि ये पॉइंट ई है। तो लाइन पूछिए बेयरिंग की अगर डी की, तो ये लाइन होगी डी, है ना। तो 116 में से कितना घटाना है, 40 घटाना है, तो 7 ये आएगा, 6 ये आएगा, तो आंसर क्या रहेगा, 76 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके चलो
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन, जो फ्रॉस्ट फ्रीजिंग थो ये ऑप्शन होता है ना, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं लिख देता हूँ, फ्रीजिंग एंड थोइंग बोलते हैं इसको, है ना, फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन बोलते हैं। कंक्रीट शुड बी, यानी कि अगर फ्रॉस्ट से बचाना है, फ्रीजिंग से बचाना है, तो क्या होना चाहिए, कंक्रीट डेंस होना चाहिए भाई, सीधी बात है, डेंस होगा तो वर्ड्स कम होंगे, सीधी बात है, फ्री फ्रॉम क्रैक्स होना चाहिए भाई, अगर क्रैक नहीं होंगे तब भी वर्ड कम होंगे, ये भी बात सही है। सी बोला एडेशन बिटवीन मोर्टर एंड एग्रीगेट शुड बी परफेक्ट, जब जो बॉन्ड है वो मजबूत होगा तब भी वर्ड्स कम होंगे, तो ए बी सी तीनों ही बातें सही हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, रीजन क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि फ्रीजिंग एंड थोइंग क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक अच्छी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको प्रॉपर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द कर्व प्रोवाइडेड टू अकम्प्लिश ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम टेंजेंट टू सर्कुलर कर्वेचर। देखिए, अगर मेरा कोई स्ट्रेट रोड जा रहा है और ये कोई स्ट्रेट रोड है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो ऐसा तो नहीं जोड़ूंगा एकदम सीधे, धड़ाम धड़ाम यहाँ पे एक्सीडेंट होंगे, यहाँ भी एक्सीडेंट होंगे ना, ऐसे जोड़ी जाएगी, ये मेरा रोड है कि ये मेरा रोड है, तो उसको एक कर्व की फॉर्म में दिया जाएगा ऐसे करके, है ना, तो उसको बोलते हैं, इस कर्व का नाम है कैसा, ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पे स्टार्टिंग पे रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे रेडियस मेरी क्या है, जो रेडियस है अटेन कर लेता है पूरी मैक्सिमम, है ना। तो पूछा जाता है कि ट्रांजिशन कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पर जो रेडियस है कितनी होती है, मेरी इनफाइनाइट होती है, तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान इंडियन रोड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, तो ये फाइव कैटेगरीज में डिवाइड है टोटल। पहली आती है आपकी नेशनल हाईवे, दूसरी आती है स्टेट हाईवे, तीसरी आती है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथी आती है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, पांचवी आती है विलेज रोड। ओके, तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इधर आएगा। ओके, अगर नागपुर रोड प्लान की बात करूं तो ये कौन सा था, ये तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान था। तो अगला क्वेश्चन है, मेथिमोग्लोबेनियम फाउंड इन इन्फेंट, इन्फेंट यानी कि नवजात शिशु होता है, इज ड्यू टू एक्सपेंसिव प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सी जगह देखा गया है कि अगर जो माता है, जो भी औरत है, अगर वो इन्फेक्टेड पानी पी रही है जिसमें एक पर्टिकुलर जो भी कंटेंट है, एलिमेंट, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है एक लिमिट से, तो जो बच्चा होता है वो नीला हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, और मेडिकल टर्म में इसका नाम है मेथेमोग्लोबिनियम, ठीक है, जो भी लंबा नाम है इसका। ओके, तो अब किसकी वजह से होता है, क्या लिमिट रहती है, दोनों बातों पर फोकस करते हैं। पहली बात किसकी वजह से होता है, तो पहले होता है नाइट्रेट की वजह से, और लिमिट कितनी है भाई इसकी, 45 mg/L। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये दिक्कत हो जाती है। अभी इसका नाम और दूसरा क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिंड्रोम है ना, ऐसे लिखते हैं मेडिकल में सिंड्रोम। चलो, अब एक नाम आपको नहीं मिलेगा बुक्स में भी, मैं लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं कैंसर ऑफ स्टमक, है ना, कैंसर ऑफ स्टमक, इंपॉर्टेंट बात है, नहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कैंसर ऑफ स्टमक किसकी वजह से होता है, किसी को नहीं पता कैंसर ऑफ स्टमक ही ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम है, जो कि मेथेमोग्लोबिनिया भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो उस वजह से क्या होगा आंसर, नाइट्रेट होगा वहां पे भी, तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं दिख जाए, है ना, तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इफ बल्क मॉड्यूलस यानी कि के की वैल्यू दे रखी है 18 gn/m², जी यानी कि गीगा, एंड रिजिडिटी मॉड्यूलस यानी कि जी, सी से रूट करना है 48 gn/m². चलो ठीक है, डिटरमाइन यंग मॉड्यूलस, अब मैं जानता हूँ ई बराबर होता है 9 kg/3 kg+c, एक ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद हो जाता तो ठीक है, वरना दूसरे फॉर्मूले दिए, ई इजकल टू 2g 1+μ, ई इजकल टू 3k 1-2μ, इन दोनों में ऐसे म्यू की वैल्यू एक में से निकाल के दूसरे में रख देना, ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट याद है तो बेहतर बात है, 9 की जगह 9 रखते हैं। अब यूनिट में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि यूनिट में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जिस यूनिट में दे रखा उस यूनिट में आंसर ऑप्शन में भी है। ओके, के की वैल्यू कितनी रखी है अपने को, यहाँ पे 80 दे रखी है, जी की वैल्यू 48 दे रखी है, और 3 80 दे रखी है, और जी की वैल्यू 48 दे रखी है, तो यहाँ पे इसको हम लोग रफली देखते हैं डिफरेंस कितने का, 30 का डिफरेंस अच्छा खासा है,
तो एक रफली आइडिया मान के कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसको 9 मानते हैं, इसको 80 मानते हैं, इसको 50 मानते हैं, ये 240 हो जाएगा, इसको भी 50 ही मान लेते हैं, ठीक है, 9 पे 72 आएगा और 50 रह जाएगा, तो 290 कहीं ना कहीं हो जाएगा अपना, है ना। जीरो से मैं जीरो काट देता हूँ तो ये आएगा 0, 5, 2, 10, 0, 5, 35, 36 आएगा, ओके। और इसको 29 है, इसको लगभग 30 अगर मान लेते हैं, 30 गया तो ये आएगा 3, 3, 2, 6, 120, लगभग 120, 120 के अप्रोक्स आंसर दिख रहा है, दिख रहा भाई डी, दिख रहा है डी, है ना। अब ये अपने रिस्क पे करना है आप लोगों को, ये कैलकुलेशन आप लोगों को अपने रिस्क पे करनी है, है ना। ये एक्सपीरियंस चीज़ें आती हैं कि जो मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा फेर बदल किया है, क्या वो सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। ये नहीं कि मैंने कैलकुलेट किया तो आप भी एग्जाम में कैलकुलेट करते हो बोलो कि सर मेरा तो गलत हो गया आंसर, है ना। तो ऐसा मत करना, अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं मैं गलती ना कर बैठूँ तो एक्यूरेट कैलकुलेट करना, लेकिन एक्यूरेट कैलकुलेट करने के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होता है, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करना है, रफली जो करते हैं सब लोग, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पेड़ की कोई बात नहीं है, है ना, हर चीज़ पेड़ करने की कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए जिससे बच्चों का थोड़ा मोरल भी बूस्ट हो, है ना। क्योंकि बहुत से लोग नहीं बताते कि कैलकुलेशन रफली कैसे करनी है, तो ऐसे करनी है आपको, मैंने बता दिया यहाँ पे, तो ऐसे करके आना है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड सेक्शन विल हैव मिनिमम शेप फैक्टर। अब शेप फैक्टर की बात आती है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायमंड, डायमंड का कितना होता है 2 होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर का कितना होता है आपका 1 पॉइंट समथिंग कितना रहता है, 1.5 रहता है। सॉलिड सेक्शन का कितना रहता है 1.7 रहता है। ट्रायंगुलर का कितना रहता है 2.34 रहता है, ओके। आई सेक्शन का भी लिख देता हूँ, उन्होंने भी 1.14 रहता है, एवरेज लिख दिया मैंने, है ना, रेंज तो होती है इसकी। अब देखते हो ऑप्शन में आई सेक्शन है क्या, नहीं है भाई। सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है तो ये तो 1.7, बी रेक्टेंगुलर तो ये 1.5, सी ट्रायंगुलर 2.34, डी डायमंड है 2, तो सबसे कम कौन सा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगुलर इज द राइट आंसर। तो ये सारे शेप फैक्टर याद रखने हैं, एग्जाम में एक शेप फैक्टर जरूर पूछा जाता है, आप लोग भी जानते हो अगर आपने एग्जाम दी होगी तो, कि कभी कभी एक शेप फैक्टर आता है सिंपल कि इसका शेप फैक्टर क्या होगा। अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया कि भाई आपको जब पता होंगे सारे शेप फैक्टर तभी आप बता पाओगे कौन सा कम है, तो ये एकदम एकदम हाई लेवल क्वेश्चन हो गया कि एकदम आपको सब कुछ पता है तब आप बता पाओगे। अब ये नहीं है कि डायमंड का शेप फैक्टर क्या, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं तो आप कोई भी हिट कर सकते हो, वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, ये थोड़ा टिपिकल हो गया, थोड़ा टफ हो गया, आपको सारा डाटा नॉलेज में होगा तब आप आंसर कर पाओगे, ओके। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू, देखिए जब भी मेजर लॉस की बात आएगी तो फ्रैक्शन के कारण होता है, और हैडलर ड्यू फ्रैक्शन क्या होता है, FLV2/2GD, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बढ़ते हैं, जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, इन केस ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड। अभी लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2R sin delta/2, चलो ठीक है। एंड टेंजेंट लेंथ, भाई टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R tan delta/2। इन दोनों का क्या पता करना है अपने को, रेशियो यानी कि इसको डिवाइड करो, R से R काटो, ठीक है, 2 sin delta/2/10 delta/2, ओके। वेन डिफ्लेक्शन एंगल 120 degree, यानी डेल्टा की वैल्यू दे रखी है 120 degree, चलो ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 4 भी नहीं डलेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है, है ना। बच्चे करते हैं 2R sin, कहीं जरूरत नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करना है, 2 की जगह 2 रखेंगे, साइन की साइन रखेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हो 60 degree आएगा, 10 में भी ये डायरेक्ट 60 degree आएगा, है ना। 2 ये रहेगा साइन की 60 की वैल्यू √3/2 रहती है, इसकी वैल्यू √3 रहती है, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, क्या बचा 1, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है ना, सिंपल कैलकुलेशन, ओके। ये क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, हम लोगों ने रखा है 20 likes का एम, जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, उतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए आएगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, कीप स्माइलिंग।